इंडिया न्यूज़ की क्राइम ब्रांच में मैं आपके साथ शोभना यादव। अगर हिंदुस्तान के इतिहास की बात की जाए तो जुर्म की भी एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है अपराधियों की भी। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो टीवी पर आप देखते हैं, अभी देखा अभी भूल जाते हैं, चैनल बदल देते हैं, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में अपने जुर्म की कहानी को ऐसे दर्ज कर देते हैं कि सालों साल लोगों के दिमाग से उनके जो अपराध हैं वो निकलते नहीं हैं। ऐसे ही अपराधियों में अगर मैं बात करूं तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नटवरलाल की बात करती हूँ। नटवरलाल, जैसे ही मैंने कहा आपके दिमाग में आया ना 1 2 का 4, 4 2 का 1, जी हाँ, नटवरलाल एक ऐसा ही ठग था जिसने किसी को भी ठगने से छोड़ा नहीं, और तो और वैश्याओं के कोठे पर पहुंचता था तो उनकी शराब में कुछ ऐसा मिला देता था और उनके गहने और पैसे लेके लूट के भाग जाता था। मिथिलेश कुमार इस नटवरलाल का नाम था और सिवान, बिहार के सिवान ज़िले का ये रहने वाला था, और ये इतना शातिर दिमाग था और बचपन से ही, अगर आप इसके गाँव वालों से बात कीजिए, इसके नाती रिश्तेदारों से बात कीजिए, तो इसके शातिर बने के किस्से वो हमें सुनाते रहते हैं। इसके बाप जो थे वो ज़मींदार थे, अच्छे पैसे वाले, खाते पीते घर के थे। मैट्रिक की परीक्षा में ये फेल हो गया, पूरा दिन फुटबॉल खेलता रहता था, शतरंज खेलता रहता था, मैट्रिक की परीक्षा में ये फेल हो गए साहब। जब फेल हो गए तो पिताजी ने की जम भर के पिटाई इनकी। पिटाई करने के बाद ये भागे अपने घर से और कलकत्ता जाकर रुके। एक पोल के नीचे ये बैठ गए और इन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। एक व्यापारी इनके संपर्क में आया, इन्होंने उस व्यापारी को अपनी बातों में ऐसा लपेटा कि वो तैयार हो गया कि उनके बेटे को ये पढ़ाएंगे। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब ये रोज़ उससे ज़्यादा पैसा मांगे व्यापारी से। व्यापारी नाराज़ हो गया। व्यापारी ने कहा, भाई मैं इतना पैसा तो नहीं दूंगा। आप ये समझिए कि ये उसी के बेटे के साथ मिला और 4.5 लाख रुपए का चूना उसको लगा दिया रुई की गांठ बेचने के नाम पर। बोला उसके बेटे को ऐसे इम्प्रेस कर लिया इसने, प्रभावित कर लिया कि ये रुई की गांठ है, और उसको भी लगा कि भैया तो मतलब इससे बढ़िया रुई की गांठ तो कहीं मिलेगी नहीं। दूसरी कहानी जो मिथिलेश के लिए कही जाती है वो ये कही जाती है कि इसके जो पड़ोसी थे, एक सहाय साहब थे, उन्होंने कहा, यार मिथिलेश तुम जा रहे हो जरा बैंक तक, तो मेरा ये चेक जमा कर दोगे क्या? तो मिथिलेश बोला, हाँ हाँ भैया कर देंगे जमा। बैंक में पहुंचा, वहाँ उनके सिग्नेचर का कुछ इसने देखा और इसने बिल्कुल हूबहू वैसे ही सिग्नेचर्स जो हैं वो कर डाले। उस दिन इस मिथिलेश को, इस मिस्टर नटवरलाल को अपना ये हुनर भी पता चला। बस तब क्या था, सारे अड़ोसी पड़ोसियों को इसने ऐसे ही धीमे धीमे करके चूना लगाना शुरू कर दिया, और चूना ऐसा लगाया कि हज़ारों रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। और तो और आप ये समझिए कि अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, वैश्या, इनको तो लूटा ही लूटा। इसने बड़े बड़े राजनेताओं के नाम पर लूट खूब करी। ये दिल्ली आया और दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये एक घड़ी की दुकान पर पहुंचा और बोला, एक बुज़ुर्ग के बिल्कुल मेकअप लिया हुआ, उसी तरह नकली विग लगाए हुए, और बोला कि साहब मैं वीपी सिंह का पीए हूं और राजीव गांधी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, आप लोगों को उन्हें 93 घड़ी जो हैं वो लोगों को तोहफे में देनी है। वो दुकानदार को भी लगा कि भैया बुज़ुर्ग आदमी है, आया है तो देनी होंगी, तो वो तैयार हो गया। अगले दिन साहब फिर पहुंच गए, वही विग लगा के, सफ़ेद बाल, लाठी टेकते हुए। जब पहुंचे दुकानदार के पास, तो दुकानदार ने एकदम बढ़िया पैकिंग में कि साहब देखिए राजीव गांधी से भी संपर्क बन जाएगा, वीपी सिंह के पीए हैं, उनको उठा के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले गया, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता सचिव बैठते हैं सरकारी पदों के, वहाँ पर जाके 32,000 रुपये का चेक दे दिया। वो भी बड़ा खुश हुआ कि साहब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ रहे हैं, आपसे 20 साल 25 साल पहले 32,000 रुपये। पता चला, लीजिए साहब नटवरलाल ने तो लगा दिया चूना। अरे आदित्य सर, आप कहाँ जा रहे हैं, आइए भाई, हम लोग ठगों की बात कर रहे हैं, और ये आदित्य जी मेरे से जुड़ गए हैं क्राइम ब्रांच में, और ये बहुत लंबे समय से क्राइम की स्टोरीज कवर करते आए हैं और इन्हें बहुत अच्छा अनुभव है। नटवरलाल मिथिलेश कुमार की आदित्य जी हम बात कर रहे हैं, कुछ आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? देखिए, ठगी के किस्से तो बहुत सुने हैं हमने, देखे भी हैं, लेकिन जहाँ तक नटवरलाल की बात है तो इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है जी। असल में आप ये माइक ले लीजिए, क्योंकि माइक के बिना आपकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं हमारे दर्शकों। और नटवरलाल के बारे में बताने के लिए माइक मतलब आवाज़ बहुत बुलंद भी होनी चाहिए। बिल्कुल, असल में ये ठग ऐसा ठग था कि चलते चलते इंसान को पानी पिला दे, और आज की तारीख में जो ठगी हो रही है जी, वो ठग भी अगर इसके किस्से सुनेंगे तो पानी पिएंगे। आप सोच सकते हैं कि आप इस शख्स ने पार्लियामेंट बेच दिया, इसने ताजमहल बेच दिया, बताइए, इसने लाल किला बेच दिया, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सूरत से बेहद शांत, लेकिन सीरत से ऐसा शातिर दिमाग, मतलब आप
आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, मतलब सोचिए, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, कुछ बचा नहीं। बेचारे विदेशी सैलानी जो देश में घूमने आए, उनको आपने सरकारी इमारतें बेच डाली। तो आदित्य सर, और एक बात आपको पता है आदित्य सर, ये इतना शातिर था कि जो अपने इसके जो गाँव वाले थे उनके लिए ये रॉबिन हुड था भैया, कि हम कितना भी पैसा कमाएं, गांव वालों को इसने ऐसे प्रभावित कर रखा था और उनको ये कहता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, मैं उनसे पैसा लूटता हूं, वो पैसे वाले जो कि गलत धंधे करते हैं, और वो पैसा आपको बांटता हूं। और तो और आदित्य सर, जो गांव के लोग थे उनको 100-100 रुपये दे देता था, बस गाँव के लोगों को क्या चाहिए, मिठाई मिली, रुपया मिला, खुश। तो इस तरीके का शातिर था। और आप समझिए, पूरे देश की पुलिस, ज़िलों की पुलिस सब इसको ढूंढ रही थी। 100 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर थे, कई बार इसको जेल में बंद किया गया लेकिन हर बार ये भाग जाता था। एक पत्रकार ने इससे पूछा कि भैया ये बताओ कि तुम जेल से कैसे भाग जाते हो, ऐसा क्या करते हो? तो आप इसका कॉन्फिडेंस, इसकी हाजिर जवाबी आप देखिए, कि कहता था कि मैं भागता थोड़ी ना हूँ, वो तो गेट खोल देते हैं और मैं निकल जाता हूँ। तो मतलब इस तरीके का शातिर ये आदमी था, मानना पड़ेगा। इस पूरे करेक्टर को अगर समझा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। और आप ये देखिएगा कि मैं दर्शकों को बता रही हूँ, और ये अब इंटरनेट पे गूगल पे जाके सर्च करेंगे उस मिथिलेश कुमार को, इस तरीके का वो ठग था। और एक से एक दिलचस्प किस्सा है उसका है इसकी। और यकीनन सर्च करना भी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। और जो फिल्म है नटवरलाल, वो तो इसी किरदार पर पूरी फिल्माई गई है। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने उसमें किरदार निभाया था, और तभी से नटवरलाल नाम जो है वो बहुत सुर्खियों में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्राइम ब्रांच में मैं आपको ऐसे ही बुलाती रहूंगी, और मैं रोज एक नए अपराधी के बारे में, रोज एक नए अपराध के बारे में आपसे बात करती रहूंगी। तो देखते रहिए क्राइम ब्रांच इंडिया न्यूज मेरे साथ।